जय श्री राम दोस्तों, आज का जो हम पेड़ देखने जा रहे हैं यह है बोगनविलिया का पेड़। बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करता है और बहुत सारे कलर उसमें आता है। इस पेड़ की खासियत यह है कि ये पेड़ चाहता है कि आप इसकी हार्ड कटिंग करते रहें, हार्ड प्रूनिंग इस पेड़ की आप करते रहें। जितनी ज़्यादा आप इस पेड़ की प्रूनिंग करेंगे उतना ही ये पेड़ अच्छा चलेगा। इसको प्रूनिंग चाहिए ही चाहिए होती है। दूसरी बात, इस पेड़ को रूट बाउंड रहना अच्छा लगता है। हर पेड़ों की अपनी अलग अलग कंडीशन है, इस पेड़ों को रूट बाउंड रहना अच्छा लगता है। रूट बाउंड क्या होता है, मतलब जो इसकी रूट्स हैं वो एक जगह पे सीमित रह जाएं, दबी दबी रह जाएं, बंद के रह जाएं, वो इस पेड़ को पसंद है। इसीलिए बोगनविलिया को आप पॉट में लगाएं। पॉट में लगा रखा है मैंने भी और बहुत अच्छा लगता है पॉट में। जब इसमें फ्लावरिंग आती है तो इसकी जो अपर जो लेयर है पूरी फ्लावर से भर जाती है। आप बोगनविलिया 80 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं लेना, और महंगा तो एक कलर के हिसाब से हो जाता है। ये वाला जो पेड़ है, पेड़ साथ में पॉट मैंने 150 रुपीज़ का लिया था। इसके बाद मेरे पास बोगनविलिया के बहुत सारे पेड़ हैं। बोगनविलिया से आप अपने गार्डन में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। ये मैंने अपने गार्डन में बोगनविलिया की आर्च बना रखी है। आपको ये याद रखना है कि इसमें कांटे ज़रूर होते हैं। ये आर्च गार्डन की खूबसूरती तो बढ़ा ही रही है, साथ में इसमें कम से कम 10 से ज़्यादा इस टाइम घोंसले बने हुए हैं चिड़ियाओं के। आप भी अपने गार्डन में बोगनविलिया से ऐसे खूबसूरत डिज़ाइन निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें।